जय माता दी, राधे राधे। आइए सुनते हैं नवरात्रि के दूसरे दिन दुर्गा सप्तशती का दूसरा अध्याय। महर्षि मेधा बोले, प्राचीन काल में देवताओं और असुरों में पूरी 100 वर्षों तक घोर युद्ध हुआ और देवराज इंद्र देवताओं के नायक थे। इस युद्ध में देवताओं की सेना परास्त हो गई थी और इस प्रकार संपूर्ण देवताओं को जीत महिषासुर इंद्र बन बैठा था। युद्ध के पश्चात हारे हुए देवता प्रजापति श्री ब्रह्मा को साथ लेकर उस स्थान पर पहुँचे जहाँ पर कि भगवान शंकर विराजमान थे। देवताओं ने अपनी हार का सारा वृतांत भगवान श्री विष्णु और शंकर जी से कह सुनाया। वह कहने लगे, हे प्रभु, महिषासुर सूर्य चंद्रमा इंद्र अग्नि वायु यम वरुण तथा अन्य देवताओं के सब अधिकार छीनकर सबका अधिष्ठाता स्वयं बन बैठा है। उसने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। वह मनुष्य की तरह पृथ्वी पर विचर रहे हैं। दैत्यों की सारी करतूत हमने आपको सुना दी है और आपकी शरण में इसलिए आए हैं कि आप उनके वध का कोई उपाय सोचें। देवताओं की बातें सुनकर भगवान श्री विष्णु और शंकर जी दैत्यों पर बड़ा गुस्सा किए। उनकी भौंहें तन गई और आंखें लाल हो गई। गुस्से में भरे हुए भगवान विष्णु के मुख से बड़ा भारी तेज निकला और उसी प्रकार का तेज भगवान शंकर ब्रह्मा और इंद्र आदि दूसरे देवताओं के मुख से प्रकट हुआ। फिर वह सारा तेज एक में मिल गया और तेज का पुंज वह ऐसे दिखता था जैसे कि जाज्वल्यमान पर्वत हो। देवताओं ने देखा कि उस पर्वत की ज्वाला चारों ओर फैली हुई थी और देवताओं के शरीर से प्रकट हुए तेज की किसी अन्य तेज से तुलना नहीं हो सकती थी। एक स्थान पर इकट्ठा होने पर वह तेज एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। वह भगवान शंकर का तेज था। उससे देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उनके सिर के बाल बने। भगवान श्री विष्णु के तेज से उनकी भुजाएं बनी। चंद्रमा के तेज से दोनों अस्तर और इंद्र के तेज से जंघा तथा पिंडली बनी और पृथ्वी के तेज से नितंब भाग बना। ब्रह्मा के तेज से दोनों शरण और सूर्य के तेज से उनकी उंगलियां पैदा हुई। वस्तुओं के तेज से हाथों की उंगलियां एवं कुबेर के तेज से नासका बने। प्रजापति के तेज से उनके दांत और अग्नि के तेज से उनके नेत्र बने। संध्या के तेज से उनकी भौहें और वायु के तेज से उनके कान प्रकट हुए। इस प्रकार उस देवी का प्रादुर्भाव हुआ था। महिषासुर से पराजित देवता उस देवी को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल में से एक त्रिशूल निकालकर उस देवी को दे दिया और भगवान विष्णु ने अपने चक्र में से एक चक्र निकालकर उस देवी को दे दिया। वरुण ने देवी को शंख भेंट किया। अग्नि ने इन्हें शक्ति दी। वायु ने धनुष और बाण दिए। सहस्त्र नेत्रों वाले श्री देवाराज इंद्र ने उन्हें अपने वज्र से उत्पन्न करके वज्र दिया और ऐरावत हाथी का 1 घंटा उतार कर देवी को भेंट किया। यमराज ने उन्हें काल दंड में से 1 दंड दिया। वरुण ने उन्हें पास दिया। प्रजापति ने उस देवी को स्फटिक की माला दी और ब्रह्मा जी ने उन्हें कमंडल दिया। सूर्य ने देवी को समस्त रोमों में अपनी कीड़ों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी और उज्ज्वल हार और दिव्य वस्त्र उन्हें भेंट किए और इनके साथ ही उसने दिव्य चूड़ामणि दी। 2 कुंडल कंकर उज्ज्वल अर्धचंद्र बाहों के लिए बाजूबंद, चढ़ों के लिए नुपुर, गले के लिए सुंदर हसली और अंगुलियों के लिए रत्नों की बनी हुई अंगूठियाँ उन्हें दी। विश्वकर्मा ने उनको फरसा दिया और उनके साथ ही कई प्रकार के अस्त्र और अभेद कवच दिए।
और इसके अतिरिक्त उसने कभी न कुम्हलाने वाले सुंदर कमलों की मालाएं भेंट की। समुद्र ने सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह और तरह तरह के रत्न देवी को भेंट किए। यक्षराज कुबेर ने मधु से भरा हुआ पात्र और शेषनाग ने उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट किया। इसी तरह दूसरे देवताओं ने भी उन्हें आभूषण और अस्त्र देकर उनका सम्मान किया। इसके पश्चात देवी ने उच्च स्वर से गर्जना की। उनके इस भयंकर नाद से आकाश गूंज उठा। देवी का वह उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद समान न सका। आकाश उनके सामने छोटा प्रतीत होने लगा। उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई जिससे समस्त विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे। पृथ्वी डोलने लगी और सबके सब पर्वत हिलने लगे। देवताओं ने उस समय प्रसन्न हो सिंहवाहिनी जगतमयी देवी से कहा, देवी तुम्हारी जय हो। इसके साथ महर्षियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उनकी स्तुति की। संपूर्ण त्रिलोकी को शोकमग्न देखकर दैत्यगण अपनी सेनाओं को साथ लेकर और हथियार आदि सजाकर उठ खड़े हुए। महिषासुर के क्रोध की कोई सीमा नहीं थी। उसने क्रोध से भरकर कहा, यह सब उत्पात है। फिर भी वह अपनी सेना के साथ उस ओर दौड़ा जिस ओर से भयंकर नाद का शब्द सुनाई दे रहा था और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा जो अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में एक रेखा सी बन रही थी और उनके धनुष की टंकार से सब लोग क्षुब्ध हो रहे थे। देवी अपने सहस्त्रों भुजाओं को संपूर्ण दिशाओं में फैलाए खड़ी थी। इसके पश्चात उनका दैत्यों के साथ युद्ध छिड़ गया और कई प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सबकी सब दिशाएं उद्भासित होने लगी। महिषासुर की सेना का सेनापति चिछुर नामक एक महान असुर था। वह आगे बढ़कर देवी के साथ युद्ध करने लगा और दूसरे दैत्यों की चतुरंगिणी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा और 60,000 महारथियों को साथ लेकर उदग्र नामक महादैत्य आकर युद्ध करने लगा और महाहनु नामक असुर 1 करोड़ रथियों को लेकर असिलोमा नामक असुर 5 करोड़ सैनिकों को साथ लेकर युद्ध करने लगा। वाष्कल नामक असुर 60 लाख असुरों के साथ युद्ध में आ डटा। बिडाल नामक असुर 1 करोड़ रथियों सहित लड़ने को तैयार था। इन सब के अतिरिक्त और भी हजारों असुर हाथी और घोड़े साथ लेकर लड़ने लगे और इन सब के पश्चात महिषासुर करोड़ों रथों हाथियों और घोड़ों सहित वहां आकर देवी के साथ लड़ने लगा। सभी असुर तोमर भिंदीपाल शक्ति मूसल खड़गो फरसों पट्टियों के साथ रणभूमि में देवी के साथ युद्ध करने लगे। कई शक्तियां फेंकने लगे और कई अन्य अस्त्रादि। इसके पश्चात सबके सब दैत्य अपनी अपनी तलवारें हाथों में लेकर देवी की ओर दौड़े और उसे मार डालने का उद्योग करने लगे। मगर देवी ने क्रोध में भरकर खेल ही खेल में उनके सब अस्त्रों शस्त्रों को काट दिया। इसके पश्चात ऋषियों और देवताओं ने देवी की स्तुति आरंभ कर दी और वह प्रसन्न होकर असुरों के शरीर पर अस्त्र शस्त्र की वर्षा करती रही। देवी का वाहन भी क्रोध में भरकर दैत्य सेना में इस प्रकार विचरने लगा जैसे कि वन में दावानल फैल रहा हो। युद्ध करती हुई देवी ने क्रोध में भरकर जितने श्वासों को छोड़ा वह तुरंत ही सैकड़ों हजारों गणों के रूप में परिवर्तित हो गए। फरसे भिंडीपाल खड़ग तथा पट्टी इत्यादि अस्त्रों के साथ दैत्यों से युद्ध करने लगी। देवी की शक्ति से बढ़े हुए वह गण दैत्यों का नाश करते हुए ढोल शंख व मृदंग आदि बजा रहे थे। तदंतर देवी ने त्रिशूल गदा शक्ति खड़ग इत्यादि से सहस्त्रों असुरों को मार डाला। कितनों को घंटे की भयंकर आवाज से ही यमलोक पहुंचा दिया। कितने ही असुरों को उसने पास में बांधकर पृथ्वी पर धर घसीटा। कितनों को अपनी तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिए और कितनों को गदा की चोट से
धरती पर सुला दिया। कई दैत्य मूसल की मार से घायल होकर रक्तवमन करने लगे और कई सूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर लेट गए और कितने ही बार से कमर टूट गई। देवताओं को पीड़ा देने वाले दैत्य कटकर मरने लगे। कितनों की बाहें अलग हो गई, कितनों की ग्रीवाएं कट गई, कितनों के सिर कटकर दूर भूमि पर लुढ़क गए, कितनों के शरीर बीच में से कट गए और कितनों की जंघाएं कट गईं और वह पृथ्वी पर गिर पड़े। कितने ही सिरों व पैरों के कटने पर भी भूमि पर से उठ खड़े हुए और शस्त्र हाथ में लेकर देवी से लड़ने लगे। और कई दैत्यगण भूमि में बाजों की ध्वनि के साथ नाच रहे थे। कई असुर जिनके सिर कट चुके थे बिना सिर के धड़ से ही हाथ में शस्त्र लिए हुए लड़ रहे थे। दैत्य रह रह कर ठहरो ठहरो कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकार रहे थे। जहाँ पर यह घोर संग्राम हुआ था वहाँ की भूमि रथ हाथी घोड़े और असुरों की लाशों से भर गई थी और असुर सेना के बीच में रक्तपात होने के कारण रुधिर की नदियाँ बह रही थी और इस तरह देवी ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में इस तरह से नष्ट कर डाला जैसे तृढ़ काष्ठ के बड़े समूह को अग्नि नष्ट कर डालती है। और देवी का सिंहासन भी गर्दन के बालों को हिलाता हुआ और बड़ा शब्द करता हुआ असुरों के शरीरों से मानो उनके प्राणों को ढूंढ रहा था। वहां देवी के गणों ने जब दैत्यों के साथ युद्ध किया तो देवताओं ने प्रसन्न होकर आकाश से उन पर पुष्प वर्षा की। आइए सुनते हैं दुर्गा सप्तशती का तीसरा अध्याय। महर्षि मेधा ने कहा, महिषासुर की सेना नष्ट होती देखकर उस सेना का सेनापति चछुर क्रोध में भर देवी के साथ युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह देवी पर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा मानो सुमेरु पर्वत पानी की धार बरसा रहा हो। इस प्रकार देवी ने अपने बाणों से उसके बाणों को काट डाला तथा उसके घोड़ों व सारथी को मार दिया। साथ ही उसके धनुष और उसकी अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी काटकर नीचे गिरा दिया। उसका धनुष कट जाने के पश्चात उसके शरीर के अंगों को भी अपने बाणों से बीध दिया। धनुष घोड़ों और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की तरफ आया। उसने अपनी तीक्ष्ण धार वाली तलवार से देवी के सिंह के मस्तक पर प्रहार किया और बड़े वेग से देवी की बाईं भुजा पर वार किया। किंतु देवी की बाईं भुजा को छूते ही उस दैत्य की तलवार टूट टूट कर टुकड़े टुकड़े हो गई। इससे दैत्य ने क्रोध में भरकर शूल हाथ में लिया और उसे भद्रकाली देवी की ओर फेंका। देवी की ओर आता हुआ वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्य के समान प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आते हुए देखकर देवी ने भी शूल छोड़ा और महाअसुर के शूल के 100 टुकड़े कर दिए और साथ ही महाअसुर के प्राण भी हर लिए। चिछुर ने मरने पर देवताओं को दुख देने वाला चामर नामक दैत्य हाथी पर सवार होकर देवी से लड़ने के लिए आया और उसने अब आने के साथ ही शक्ति से प्रहार किया। किंतु देवी ने अपनी हुंकार से ही उसे तोड़कर पृथ्वी पर डाल दिया। शक्ति को टूटा हुआ देखकर दैत्य ने क्रोध से लाल होकर शूल को चलाया किंतु देवी ने उसको भी काट दिया। इतने में देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर सवार हो गया और दैत्य के साथ बहुत ही तीव्र युद्ध करने लगा। फिर वह दोनों लड़ते हुए हाथी पर से पृथ्वी पर आ गिरे और दोनों बड़े क्रोध से लड़ने लगे। फिर सिंह बड़े जोर से आकाश की ओर उछला और जब पृथ्वी की ओर आया तो अपने पंजों से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। क्रोध से भरी हुई देवी ने शिला और वृक्ष आदि की चोटों से उदग्र को भी मार दिया। कराल को दांतों मुक्कों और थप्पड़ों से चूर कर डाला। क्रोध हुई देवी ने गदा के प्रहार से उद्दत दैत्य को मार गिराया। भिंडीपाल से वाष्पकल को बाड़ों से ताम्र तथा अंधक को मौत के घाट उतार दिया। तीनों नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रास्य
उग्रवीर्य और महाहनु नामक राक्षस को मार गिराया। उसने अपनी तलवार से बिड़ाल नामक दैत्य का सिर काट डाला। अपने बाणों से दुर्धर और दुर्मुख राक्षसों को यमलोक पहुंचा दिया। इस प्रकार जब महिषासुर ने देखा कि देवी ने मेरी सेना का नष्ट कर दिया है, तो वह भैंसे का रूप धारण कर देवी के गणों को दुख देने लगा। उन गणों में कितनों को उसने मुख के प्रहार से, कितनों को खुरों से, कितनों को पूंछ से, कितनों को सिंगों से, बहुतों को दौड़ने के वेग से, अनेकों को सिंहनाद से, किंतु चक्कर देकर और कितने को श्वास वायु से, झोंकों से पृथ्वी पर गिरा दिया। वह दैत्य इस प्रकार गणों की सेना को गिरा, देवी के सिंह को मारने के लिए दौड़ा। इस पर देवी को बड़ा गुस्सा आया। उधर दैत्य भी क्रोध में भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा तथा सिंहों से पर्वतों को उखाड़ उखाड़ कर धरती पर फेंकने लगा और मुख से शब्द करने लगा। महिषासुर के वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र चारों ओर फैलने लगा। हिलते हुए सिंहों के आघात से मेघ खंड खंड हो गए और श्वास से आकाश में उड़ते हुए पर्वत फटने लगे। इस तरह क्रोध में भरे हुए राक्षस को देख चंडिका को भी क्रोध आ गया और वह उसे मारने के लिए क्रोध में भर गई। देवी ने पास फेंक कर दैत्य का वध किया और उसने बच जाने पर दैत्य का रूप त्याग दिया और सिंह का रूप बना लिया। और जब ही देवी उसका सिर काटने के लिए तैयार हुई कि उसने पुरुष का रूप बना लिया जो कि हाथ में तलवार लिए हुआ था। देवी ने तुरंत ही अपने बाणों के साथ उस पुरुष को उसकी तलवार ढाल सहित भीत डाला। इसके पश्चात वह हाथी के रूप में दिखाई देने लगा और अपनी लंबी सूंड से देवी के सिंह को खींचने लगा और गर्जने लगा। देवी ने अपनी तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब राक्षस ने एक बार फिर भैंसे का रूप धारण कर लिया और पहले की तरह अचर जीवों सहित समस्त त्रिलोकी को व्याकुल करने लगा। इसके पश्चात क्रोध में भरी हुई देवी बारंबार उत्तम मधु का पान करने लगी और लाल लाल नेत्र करके हंसने लगी। उधर बलवीर्य तथा मद से क्रुद्ध हुआ दैत्य भी गरजने लगा, अपने सिंहों से देवी पर पर्वतों को फेंकने लगा। देवी अपने बाणों से उसके फेंके हुए पर्वत को चूर करती हुई बोली, ओ मूड, जब तक मैं मधुपान कर रही हूँ तब तू गरज ले और इसके पश्चात मेरे हाथों तेरी मृत्यु हो जाने पर देवता गरजेंगे। महर्षि मेधा ने कहा, यो कहकर देवी उछलकर उस दैत्य पर जा चढ़ी और उसको अपने पैर से दबाकर सूर से उसके गले पर आघात किया। देवी के पैर से दबने पर भी दैत्य अपने दूसरे रूप से अपने मुख से बाहर होने लगा। अभी वह आधा ही बाहर निकला था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। जब वह आधा निकला हुआ ही था, दैत्य युद्ध करने लगा तो देवी ने अपनी तलवार से उसका सिर काट दिया। इसके पश्चात सारी राक्षस सेना हाहाकार करती हुई वहां से भाग खड़ी हुई और सब देवता अत्यंत प्रसन्न हुए तथा ऋषियों महर्षियों सहित देवी की स्तुति करने लगे। गंधर्वराज गान करने लगे तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी।